हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये हॉर्स टॉय का। और इस वीडियो में हम पूरी डिटेल देखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके साथ, क्या कैसी क्वालिटी है। और ये जैसा कि देख सकते हो, इसका बॉक्स आया है। ये यहाँ पे देख सकते हो, रॉक एंड स्कूट हैडल प्लेग्रो कंपनी का है। और ऐसा अच्छा सा बड़ा सा पैकेजिंग आया है इसका। मैंने एक्चुअली इसको ऑलरेडी ओपन किया है, इसलिए ऐसा बॉक्सिंग है जैसा कि देख सकते हो आप। ये ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था, तो चलिए क्विकली इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल पी ब्रॉस फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। तो मैं एक्चुअली ये अमेजोन से लिया है ऑनलाइन, तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। अच्छे से प्लास्टिक बॉक्स में आया था, अभी उसका प्लास्टिक है नहीं, तो इसलिए मैंने जस्ट इसमें ऐड किया है। तो चलिए क्विकली देखते हैं इसके साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये हो गया घोड़ा विथ इसके जो व्हील्स है, व्हील्स के साथ आता है ये। और ये आता है बैक रेस्ट, जो कि हम देखेंगे कैसे लगाना है। और ये है हैंडल, जो भी पेरेंट्स हैं वो पीछे पकड़ के इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा है ये इसका बोर्ड नीचे का, ये आता है। और इसका एक छोटा सा टॉय है अटैचेबल, ये आएगा। और इसके साथ ये स्क्रू है बोल्ट से। तो चलिए क्विकली हम इसको असेंबल करके देखते हैं कैसे इसको असेंबल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये घोड़ा हो गया, तो ये ऑलरेडी सब अटैच होके आएगा। इसका जो नीचे का स्क्रू है वो भी रिमूव कर देते हैं हम। ये व्हील्स है, ये अटैच होके आए। उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, बहुत रफ एंड टफ है ये। और चलिए ये टॉय देखते हैं कहाँ पे लगाना है। ये शायद यहाँ पे टॉय लगाना है, जस्ट प्रेस करके हम एप्लीकेशन देखेंगे बाद में। और ये बैक रेस्ट है, ये देखते हैं इसमें कैसे लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे अटैच करने के लिए है, इजीली जैसे ही प्रेस करेंगे हम, इसके पीछे भी एक लॉक है, इसके अंदर डालना है और ये जस्ट प्रेस करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो पीछे का हैंडल है वो पकड़ने के लिए वो ऐसे लगाते हैं यहाँ पे, जैसे नॉर्मल स्क्रू हमने यहाँ पे नीचे लगाए थे, वैसे ही इसमें भी नीचे ये नॉर्मल स्क्रू लगाने हैं। ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे लगाए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये बेल्ट है लगाने के लिए इसे। बट इसमें एक मुझे इशू लगा, अगर बेबी यहाँ पे बैठता है, एक साइड पे कुछ अगर नीचे गिर जाता है तो ये ऐसे गिर सकता है। तो मेक श्योर कि ये आप जो भी पेरेंट है वो बेबी के आसपास ही रहें हमेशा, अगर बेबी बहुत छोटा है तो। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे हैंडल है, और ये जो पैर रखने के लिए यहाँ पे जगह है, ये थोड़ा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा क्योंकि ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर बेबी को यहाँ पे पैर रखना है तो पीछे बहुत पीछे जाना पड़ेगा, जो नॉर्मली अगर थोड़ा बड़ा है किड तो वो समझ सकता है, बट छोटे बेबी के लिए ये बहुत ही मुश्किल है। और ये इसका जो साइज़ है वो भी बहुत छोटा है। तो और यहाँ पे लॉक एज सच कुछ भी दिया नहीं है बेल्ट, जैसे कि जिसकी वजह से बेबी यहाँ पे पैर तो रख ही नहीं सकता, तो वो एक मुझे इसमें इशू लगा। ये बिल्कुल यूजेबल है नहीं, और बेबी के पैर भी नीचे आ जाते हैं। तो आप अगर सिर्फ व्हील से अगर पुश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा बेबी को प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यहाँ पे पैर घिसते रहते हैं नीचे, क्योंकि बेबी ये कंफर्टेबल यहाँ पे लॉक ना होने की वजह से इसमें पैर नहीं रख सकती इजीली। तो चलिए इसमें क्विकली देखते हैं कौन कौन से सॉन्ग्स आते हैं।
फॉलिंग डाउन, वो एक सॉन्ग है। और यहाँ पे थ्रेड भी लगाने के लिए यहाँ पे कनेक्ट ये काइंड ऑफ स्लॉट दिया है, इसके साथ थ्रेड आता नहीं है बट हाँ हम लगा सकते हैं इसमें और खींच सकते हैं, खींचने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और एक कौन सा सॉन्ग है इसमें देखते हैं, चार सॉन्ग्स के साथ आते हैं। और ओवरऑल अगर इसकी क्वालिटी प्राइस देखें तो मैं इसको रेटिंग देता हूँ 7/10, क्योंकि क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जी तक भी ये पेड़ आराम से ले सकते हैं, तो इसकी वजह से फिर से मिलते हैं।